नमस्कार दोस्तों, आज हम कोलोन कैंसर से कैसे बचे इसके बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर नीलेश चुरड़िया, जय गायना कैंसर सर्जन। तो कोलोन कैंसर के जो मोस्ट कॉमन कॉजेस है वो है स्मोकिंग और अल्कोहल। ये अगर हम प्रिवेंट करेंगे तो कोलोन कैंसर बनने के चांसेस हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो ओबेसिटी है। सो अगर हम डाइट पे कंट्रोल रखते हैं, वेस्टर्न फूड कम से कम खाते हैं, मल्टीग्रेन्स फूड खाते हैं और एटलीस्ट 75 मिनट्स पर वीक का अगर हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग कोलन कैंसर बनने के चांसेस हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। ऐसा कोई नेचुरल डाइट नहीं जिसको हम कैंसर प्रिवेंशन डाइट बोल सकते हैं, लेकिन कुछ फूड है जो हम लेते हैं तो कोलन कैंसर का रिस्क हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, स्पिनेच है, ब्रोकोली है, इनमें ल्यूटिन्स नाम का एक सब्सटेंस है वो काफी मात्रा में पाया जाता है। सेकंड है ऑरेंज जूस है, स्वीट पोटैटो है, गाजर है, इसमें कैरोटीन्स काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और बीटा कैरोटीन्स ये वन ऑफ द कोलन कैंसर प्रिवेंटिव फैक्टर है, तो इसे भी हमें लेना चाहिए। रेड फ्रूट जो है जैसे मैंगोज है, टोमेटो है, वाटरमेलन है, इसमें लाइकोपेन नाम का सब्सटेंस रहता है, ये कोलन कैंसर को फाइट करता है, प्रिवेंट करता है, तो ये फूड आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा आलमंड्स है, मैंगो है, इसमें विटामिन ई काफ़ी मात्रा में रहता है। जो ऑरेंज जूसेस है इसमें विटामिन सी रहता है, जो विटामिन ई और सी ये भी प्रोटेक्टिव फैक्टर है कोलन कैंसर के अगेंस्ट। तो ये अगर डाइट में हम इन फैक्टर्स का यूज़ करते हैं तो हम काफ़ी हद तक कोलन कैंसर को प्रिवेंट करने में ये हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको कोलन कैंसर के बारे में और कुछ भी जानना हो तो नीचे लिखे नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।